आज एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सोनी ES सीरीज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। आप बोलेंगे सोनी ES सीरीज में प्रॉब्लम है? बिल्कुल है। एक्चुअली में ये अल्कजर का टॉप मॉडल है जो बोस ऑडियो लग के आता है। कस्टमर जब तक सुन रहे थे तो सेटिस्फाइड थे, लेकिन हमने इनकी फ्रेंड की कार के अंदर सोनी ES सीरीज का पूरा सेटअप किया था। कस्टमर उनकी कार के अंदर बैठे और सोनी ES सीरीज का साउंड सुना, सुबह सुना, इमीडिएट मेरे पास आ गए, तनवीर भाई रिमूव द बोस सिस्टम एंड आई वांट सोनी ES। ये है पावर ऑफ ब्रांड, ये है पावर ऑफ क्वालिटी जो आपके सामने है। दूसरा, जैसे अगर मुझे बोस को रिमूव भी करना था स्पीकर, लेकिन ओरिजिनल एम्पलीफायर जो ओरिजिनल इनका हूफर है उसको डिसकनेक्ट भी मुझे नहीं करना था। ये नहीं कि मैं अपना हूफर डाल दूं, पूरा सेटअप वो कर दूं, नहीं, इनको जो क्रिस्टल क्लियर आउटपुट चाहिए थी जो उसके अंदर नहीं मिल रही थी, क्योंकि स्पीकर्स की आउटपुट थोड़ी कम है उसके अंदर। हमने हूफर भी एक्टिवेट किया है, जो बोस के जो एम्पलीफायर इसमें थ्रू जा रहा है वो भी एक्टिवेट किया, लेकिन अपना एक GS4 का एम्पलीफायर और 4 कॉम्पोनेंट इंस्टॉल किए, मैं बोलूँगा नेक्स्ट लेवल है। एक तरफ बोस ऑडियो सुन लेना और एक तरफ ये सुन लेना, काफ़ी फर्क है वो चीज़ में जो कस्टमर ने महसूस किया। ये बोस के फ्रंट में जो स्पीकर्स लग के आते हैं ये वो वाले हैं, और रियर में ये वाले स्पीकर्स लग के आते हैं, अच्छे हैं लेकिन कस्टमर को पसंद नहीं है। चारों भी डोर की हमारी डैम्पिंग वर्क आप चेकआउट कर सकते हैं। ES सीरीज के जो कंपोनेंट हमने इंस्टॉल किए हुए हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं। फ्रंट की भी एक एक फिटमेंट, फिनिशिंग, OFC, प्रॉपर कॉपर की पूरी वायरिंग हम करते हैं, तब जाके इंस्टॉल करते हैं। और एक चीज़ है दोस्तों, हूफर तो मैंने रखा ही हुआ है, इनका एग्जिस्टिंग एम्पलीफायर को भी मैंने छेड़ा नहीं है, इनकी एग्जिस्टिंग वायरिंग को भी मैंने कोई छेड़छाड़ की नहीं है दोस्तों। ये है, इसी के लिए मैं बोलता हूँ ना, मेरे पास भी साउंड इंजीनियर है, लेकिन दोस्तों मैं चाहता था, मैं सब कुछ उखाड़ सकता था कस्टमर को, कस्टमर ने मुझे फ्री हैंड दिया था, ये भी निकाल दो। मैंने बोला नहीं सर, आपको जो चीज़ चाहिए मैं बजट में रह के अपग्रेड करूंगा, आप ही का हूफर एक्टिवेट करके दूंगा उसके साथ, और उसके साथ साउंड इफेक्ट आप सुनना। कस्टमर ने बोला थैंक यू तनवीर भाई, इसी के लिए हम लोग आते हैं आपके पास। अभी कार रेडी होने के बाद कस्टमर के साथ मैं मिलूंगा कि साउंड इफेक्ट किस तरीके से। वेलकम बैक फ्रेंड्स, ओनर ऑफ द कार मिस्टर दुबे सर हमारे साथ हैं। प्रॉब्लम ये थी कि ES सुन लिया था, नहीं तो अभी तक तो बोस में ही खुश थे। सबसे पहले फर्क है कि नहीं? बहुत ज्यादा फर्क, लिमिट से ज्यादा फर्क, एक नंबर बना है। आवाज सुनते पहले जस्टिफाई कर ही नहीं सकता जो हमें ये चीज फील मिल रही है। ब्रांड ब्रांड रहता है, क्वालिटी क्वालिटी रहती है, जो मैं हर वक्त बोलता हूँ, है कि नहीं? क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर एकदम, जरा भी फट नहीं रहा आवाज। फुल वॉल्यूम पे भी आपको करके बताया बराबर है। और हाँ, मैंने ये भी नहीं किया है कि सब कुछ उखाड़ दो, हूफर भी मेरे से नवा ले लो, ये लो, कुछ भी नहीं सर। अपने वायरिंग ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, एक नंबर काम है आपका, बहुत सही लगा मुझको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर जी कैसा लगा पीछे तो, बैठे हो आप? ये तो बवाल दिख रहा है मुझे, बाकी कुछ नहीं। खुश कर दिया आपने।
नेक्स्ट लेवल. थैंक यू दुबे सर, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस. एक से एक सीरीज और आएंगे. मैं हर वक्त इसी के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ, ब्रांड ब्रांड रहता है, क्वालिटी क्वालिटी रहती है. 3 साल की गारंटी दे रही कंपनी, हाई रिस ऑडियो के साथ है, कोई भी मेड इन चाइना प्रोडक्ट नहीं है. दैट्स कॉल्ड अ ब्रांड दोस्तों. थैंक यू सर. थैंक यू.